अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है रक्षी नासिर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ कोफ्ते और आलू। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको कोफ्तों की रेसिपी दी थी। मेरे चैनल में ये कोफ्तों की रेसिपी मौजूद है। ये फ्रोज़न कोफ्ते हैं, मैंने अभी फ्रिज से निकाले हैं। मैंने ये पहले ही बना के फ्रीज़र में सेव कर लिए थे। आज हम इसको बनाएंगे। कोफ्ते आलू के लिए हमने ये सारा सामान लिया है। मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं और इनको अच्छी तरह छील के वॉश कर लिया है। अब इसके अंदर मैं पानी डाल के रख दूँगी ताकि ये काले ना हो जाएं। और आधा कप हमने दही लिया है और मैंने 3 टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है, और 1 ही टेबलस्पून मैंने अदरक का पेस्ट लिया है, और 2 हरी मिर्चें मैंने काट के ली हैं, और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, 1 कप ऑयल लिया है, और ये स्पाइस इसमें जाएंगे। इसमें मैंने 1/2 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया लिया है, और पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून लिया है। हल्दी मैंने 1 टीस्पून ली है, और ज़ीरे का पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है, और नमक भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून ली है, और पिसी हुई मिर्च 1 टीस्पून मैंने ली है। चलें ये रेसिपी हम शुरू करते हैं, एंड तक हमारे साथ रहिएगा। कोफ्ते बनाने के लिए हमने एक पतीली ले ली है, इसमें ये हम जो 1 कप ऑयल लिया था ये डाल देंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे, और टमाटर प्याज पूरा हम मशीन में डाल के पीस लेंगे। मैंने टमाटर और प्याज लहसुन अदरक दही के साथ डाल के सब कुछ इसमें मशीन में पीस लिया है, और मैंने अब इसको ऑयल में डाल दिया है। अब साथ ही हम सारे स्पाइस भी इसमें शामिल कर देंगे, और अब अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। इसको अब हम इतना भूनेंगे कि इसका सारा ऑयल बाहर आ जाए और अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। मसाला हमारा भून चुका है, और आप देख सकते हैं इसके ऊपर सारा ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। कोफ्ते हमने सारे डाल दिए हैं, अब हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे। अभी हम इन कोफ्तों को नहीं भूनेंगे, क्योंकि अगर हम कच्चे कोफ्तों को भूनेंगे तो ये सारे टूट जाएंगे। हम इसको ढक्कन रख के हल्की आंच पे 15 मिनट तक पकाएंगे, जिससे हमारे कोफ्ते सख्त हो जाएंगे, और फिर हम इसकी भुनाई करेंगे।
ये देखें ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो चुकी है और ऑयल हमारा ऊपर आ रहा है। अब इसको हम हल्की आंच पे अच्छी तरह भूनेंगे। कोफ्तों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि हमारा पूरा घर कोफ्तों की खुशबू से महक उठा है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू, ये कोफ्ते इतने अच्छे बने हैं कि अब आप इसको भूनेंगे तो ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे और खाने में इतने सॉफ्ट और मज़ेदार लाजवाब। और इनको भी 5 मिनट के लिए कोफ्तों के साथ भूनेंगे। आप इस तरीके से कोफ्ते बनाएं और अपने मेहमानों को भी खिलाएं, वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपसे बार बार रेसिपी पूछेंगे ये आपने किस तरीके से बनाए हैं। कोफ्तों को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और ऑयल हमारा सारा सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम 2 गिलास पानी डाल देंगे। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और 20 मिनट के लिए इसको पकने देंगे ताकि हमारे आलू अच्छी तरह गल जाएं। कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं और आलू भी अच्छी तरह गल चुके हैं। आप देखें आपको कितनी ग्रेवी रखनी है, आप उस हिसाब से रख लीजिएगा। अब हम चूल्हे की आंच को बिल्कुल हल्का करके 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। इस तरह तमाम ऑयल फिर सेपरेट हो जाएगा। ग्रेवी ऊपर आ चुकी है, देखें अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज। आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि कैसे बने हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस तैयार हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।